वेलकम बैक है आप सभी का GT5 के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि ट्रेवर एक चाइनीज बंदे के पास मीटिंग के लिए जाता है। उसी दौरान ओर्टेगा और ओर्टेगा के बंदे ट्रेवर पे हमला कर देते हैं। अगर आपको याद नहीं तो ओर्टेगा वही बंदा है जिसको ट्रेवर ने पिछली बार धमकाया था। तो ट्रेवर और उसका सेफ जो होता है दोनों मिलकर ओर्टेगा के सारे बंदों को मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ट्रेवर घर जाता है तो उसे पता चलता है कि बाइकर्स गैंग ने उसके घर पे भी हमला किया होता है। तो इसी बात पर ट्रेवर और उसका दोस्त रॉन बाइकर्स गैंग पे हमला करते हैं और अपना बदला लेते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जाने वाले हैं चाइनीज बंदों के पास थोड़ी बिजनेस की बातें करने के लिए। तो जल्दी से गाड़ी को तेज भगाते हैं, चलते हैं जहाँ पे वो लोग हैं। भाई मुझे क्या लगता है ना कि उन चाइनीज बंदों को अपने बिजनेस के लिए कुछ अलग तरीके से ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग को याद होगा तो जब वो लोग हमारे साथ थे तभी ओर्टेगा ने हम पे हमला कर दिया था और हमें उनकी सेफ्टी के लिए उनको डीप फ्रीजर में रखना पड़ गया था। अबे यार ये कैसी गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और इतना ज्यादा खून खराब देख के बोलो कि हालत खराब हो चुकी थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से मानने वाले हैं। जो भी है देखते हैं, चलते हैं वहाँ पे उनसे बात करते हैं। यार एक तो उनसे बात करना ना एक अलग ही लेवल की दिक्कत है, क्योंकि उसका जो मेन मालिक है वो हमेशा नशे में ही रहता है। तो यहाँ पे हम बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। तो आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने अचानक रास्ता बदल क्यों लिया। यार बात ही ऐसी है, अभी अभी मुझे माइकल का कॉल आया, उसने बताया कि उसके घर पे किसी बंदे ने हमला किया है, उसकी सारी गाड़ियाँ फोड़ दी है और साथ ही साथ उसके घर वालों को भी किडनैप कर लिया है, पर अभी तक उसे किसी का कॉल नहीं आया है। तो देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जाने वाले हैं सीधा माइकल के घर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ट्रेवर का मीटिंग था उसका क्या होगा। भाई जो भी है मीटिंग पर बात भी कर सकते हैं, अभी माइकल और माइकल की फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि माइकल और फ्रैंकी के पीछे बहुत बड़ा माफिया पड़ा हुआ है। जब से माइकल ने उसका KTM चुराया है ना, तब से माइकल और फ्रैंकी का जीना हराम कर दिया है उस माफिया ने। और अगर उसी माफिया ने माइकल के घर पर हमला किया होगा या फिर उसकी फैमिली को किडनैप किया होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो भाई हमारा माइकल के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक काम करते हैं, बिना कोई देरी के गाड़ी को फुल रफ्तार में भगाते हैं, चलते हैं माइकल के पास। तो यहाँ पे हम माइकल घर बस पहुँचने ही वाले हैं। भाई पर एक बात मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही है, अगर किसी ने माइकल की फैमिली को किडनैप किया है तो अभी तक माइकल को कॉल क्यों नहीं आया। तो भाई अब जो भी है ये तो माइकल ही बता सकता है। तो जल्दी से माइकल के पास चलते हैं, उससे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम माइकल घर पहुंच चुके हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी अंदर पार्क करते हैं। यार माइकल देख रहे हो वही सामने खड़ा है, तो जल्दी से अपनी गाड़ी इधर कहीं पार्क करते हैं और माइकल से बात करते हैं। देख रहे हो उधर जो गाड़ी जली हुई है, भाई एक गाड़ी तो वहाँ जली हुई दिख रही है, सामने मुझे एक और गाड़ी जली हुई दिख रही है। यार इन गाड़ियों की हालत तो सच में बहुत खराब है, मतलब ये पूरी तरह जल चुकी है, ये मतलब किसी काम की नहीं रह गई है। खैर जानो जो भी है, माइकल से बात करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हमारी बात माइकल से हो चुकी है। माइकल बोल रहा है कि जब ये सब हुआ तब माइकल घर पर नहीं था, और जब माइकल घर वापस आया तब उसने देखा कि उसकी सारी गाड़ियाँ किसी ने ब्लास्ट कर दी है और उसके जो फैमिली है वो घर पर नहीं है। तो यहाँ पे माइकल बोल रहा है कि घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, घर के अंदर भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। तो एक काम करते हैं घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा हाल है। भाई यहाँ तो अभी भी आग लगा पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, पर उतना भी बुरा हाल नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। देखो सामने देखो तो उतना कुछ हुआ नहीं है, यहीं तक कोई जो भी कुछ है यहीं तक है। खैर छोड़ो अभी घर के बारे में सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास, मेन बात यह है कि हमें पता लगाना है कि माइकल की फैमिली को किडनैप किसने किया है। एक बार ऊपर भी चल के देखें क्या, यार छोड़ो क्या करेंगे ऊपर जाके, बाहर चलते हैं सोचते हैं क्या करना है। देखो अभी यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि माइकल की फैमिली किडनैप तो हुई पर अभी तक माइकल को किसी का कॉल नहीं आया है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर माइकल की फैमिली को किसी ने पैसे के लिए किडनैप किया होता तो अभी तक फिरौती के लिए कॉल आ गई होती, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अगर किसी ने माइकल की फैमिली को दुश्मनी के कारण किडनैप किया है तो वो एक ही हो सकता है, जो कि है वो माफिया। तो देखो हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हम एक काम कर सकते हैं, हम लेसल के पास जा सकते हैं, उससे सब कुछ बताते हैं, तो देखते हैं कि वो क्या बोलता है। तो यहाँ पे हम दोनों गाड़ी में बैठ चुके हैं, बिना कोई देरी किए चलते हैं लेसल के पास। अबे यार ट्रेवर कैसी गाड़ी चला रहा है भाई, यार ट्रेवर बिल्कुल पागल ही आदमी है भाई। इस बार गाड़ी हम बिना टकराए रिवर्स करेंगे। तो फाइनली ट्रेवर ने बिना गाड़ी टकराए बैक कर ली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेसल के पास चलते हैं, क्योंकि देखो जितना हम देर करेंगे ना उतना ही ज्यादा माइकल की फैमिली पे खतरा बढ़ता जाएगा। अब देखो हम लोग लेसल के पास जा तो रहे हैं पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि लेसल इस पर कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि माइकल के फैमिली को किडनैप किसने किया और क्यों किया है। और हम अगर लेसल को बताएंगे भी तो क्या बताएंगे कि किसने किडनैप किया है। जहां तक हमें डाउट है कि ये काम वही माफिया ने किया है जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था, जिसकी हमने KTM चुराई थी, और मेरे ख्याल से लेसल भी यही बात बोलेगा। अब जो भी है हमें तो पता लगाना है कि माइकल की फैमिली को किसने किडनैप किया है, तो देखते हैं कि लेसल क्या बोलता है। तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे फुल स्पीड में भगाते हैं और चलते हैं लेसल के पास। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये तो लेसल के घर का रास्ता नहीं है, यहाँ पे प्लान थोड़ा चेंज है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज है। अब हम किसी की मदद नहीं ले सकते, ना ही लेसल की, ना ही फ्रैंकलिन की, ना ही किसी और की, हम मतलब कि माइकल की बात कर रहा हूँ मैं। माइकल किसी की मदद नहीं ले सकता यहाँ पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बात ही ऐसी है, अभी जस्ट हमें उस किडनैपर का कॉल आया जिसने माइकल की फैमिली को किडनैप किया है, और हमारा डाउट बिल्कुल सही था, ये वही माफिया है जिसने माइकल और फ्रैंकलिन पे अटैक किया था। और उस बंदे ने माइकल को एक लोकेशन भेज दी और वहाँ पे बोला है अकेले आने के लिए, उसे पता नहीं है कि ट्रेवल उसके साथ है। पर जो भी है अभी हमें काम करते हैं, अम्यूनिशन शॉप पे जाते हैं और माइकल के लिए कुछ गन्स खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम अम्यूनिशन शॉप पहुंच चुके हैं, माइकल बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ अंदर, वहाँ से कुछ गन्स खरीद के लाता हूँ अपने लिए।
क्योंकि देखो ट्रेवर के पास तो पहले से बहुत सारे गन्स हैं, अभी जरूरत है माइकल को, तो माइकल ने भी यहाँ पे गन्स परचेस कर लिया है। तो अब जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, बिना कोई देरी के चलते हैं उस लोकेशन पे जो कि माइकल को दी गई है। अब देखो माइकल को तो अकेले बुलाया गया है, पर उस बंदे को पता नहीं है कि ड्राइवर भी उसी के साथ है। यार देख रहे हो वो कितना बड़ा माफिया है, पहले उसने माइकल और फ्रैंकलिन पे अटैक करवाया, उसके बाद माइकल के घर पे अटैक करा, उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया। भाई लोकेशन तो थोड़ी दूर है, पर जो भी है हमें जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और अच्छा हुआ कि माइकल ने ड्राइवर को पहले ही फोन मिला लिया और उसको अपने पास बुला लिया, क्योंकि हो सकता है कि माइकल अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अकेले वहां चला जाता। अब जो भी है माइकल यहाँ पे अकेला नहीं है, तो हम बिल्कुल प्लान बना के वहाँ पे जाएंगे, अकेले तो हम माइकल को जाने देंगे नहीं। पता है यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि हमारी फैमिली उनके पास है, अगर हमने उन पर डायरेक्ट हमला कर दिया तो हमारी फैमिली पे खतरा ज्यादा बढ़ सकता है, बट हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब जो भी करना है हमें बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा ताकि हमारे फैमिली पे कोई खतरा ना आए। तो अब बिना कोई देरी के गाड़ी को तेज भगाते हैं और चलते हैं देवी लोकेशन पे। तो यहाँ पे माइकल को जो भी लोकेशन दी गई है वहाँ पे बस हम पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ सामने जो रोड है उससे राइट मारना है, हम लोग लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी एकदम ध्यान से कहीं सेफ जगह पे रोकनी पड़ेगी ताकि हमें कोई देख ना ले। ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है मुझे, तो एक काम करते हैं अपनी गाड़ी यहाँ पे रोकते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ बंदे हैं। भाई यहाँ नीचे से तो कोई भी बंदा मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, एक काम करते हैं थोड़ी हाइट पे जाते हैं, वहाँ सामने थोड़ी हाइट है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कहीं बंदे दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। ओके देख रहे हो सामने ये वो अड्डा है जहाँ पे उन लोगों ने माइकल की फैमिली को किडनैप करके रखा है। यार ये एरिया तो बहुत ज्यादा बड़ा है, देख रहे हो यहाँ पे बंदे लगा रखे हैं लोगों ने देखने के लिए कि दूर से कोई बंदा तो नहीं आ रहा है। भाई यहाँ पे माइकल की फैमिली को ढूंढना आसान नहीं होने वाला है, यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे हैं। भाई देख रहे हो ये दोनों तो अपना अलग ही लगे पड़े हैं। भाई इधर तो और भी ज्यादा बंदे हैं, भाई ये यहाँ पे कुछ तो भी कह रहा है इन लोगों को, मेरे ख्याल से ये इन लोगों को और भी चौकन्ने रहने के लिए कह रहा है। भाई इन लोगों को कहीं डाउट तो नहीं होगा हमारे आने का? भाई अगर इन लोगों को जरा सी भनक लग गई ना कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। यार इन लोग पता नहीं कहीं तो जा रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा सिक्योरिटी है, ऐसे डायरेक्टली हमला कर नहीं सकते, उससे क्या होगा माइकल की फैमिली पे खतरा बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक बंदा सामने से हमला करेगा, एक बंदा पीछे से हमला करेगा, इससे क्या होगा उन लोग ना बढ़ जाएंगे, उन लोगों को टाइम नहीं मिलेगा समझने का, तो इस चीज का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे माइकल भी इस बात पे राजी हो चुका है, वो तो बिल्कुल गन लेके तैयार है इन लोग पे हमला करने के लिए। तो भाई देखो मेन मोटो हम लोग का इन लोगों पे हमला करने का क्या है कि माइकल के फैमिली को हमें यहाँ से सेफली निकालना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी माइकल की फैमिली हमें मिल जाए और उन लोगों को यहाँ से निकाल ले। तो भाई यहाँ पे हमने भी अपना स्नैपर निकाल लिया है, एक काम करते हैं वो जूम करके देखते हैं कि हमें साफ साफ बंदे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ओके तो यहाँ पे ना जितने भी बंदे हैं हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो स्पॉट है हमारे लिए काफी अच्छा है, हम यहाँ से बहुत सारे बंदों को निपटा सकते हैं। तो अब बिना कोई देरी के अपना काम शुरू करते। तो भाई माइकल एक काम कर, तो फिर से हमला करिए, और मैं जो हूँ यहाँ पे अपने स्नैपर से जितने बंदे निपटा सकता हूँ यहीं से निपटा दूंगा। तो यहाँ पे माइकल जो है वो अपने पीछे की तरफ निकल चुका है, अब बारी हमारी है यहाँ से बंदों को निपटाने की। तो एक काम करते हैं अपने स्नाइपर निकालते हैं और यहाँ से बंदों को निपटाना शुरू करते हैं। तो पहले इन दोनों बंदों को निपटाया जाए कि ऊपर वाले बंदों को निपटाया जाए? मेरे ख्याल से ना हमें ऊपर वाले बंदों को ना पहले मारना चाहिए। तो एक काम करते हैं ऊपर वाले बंदों को पहले मारते हैं, पर हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर जो तीन लोग हैं उन लोग अलग अलग होंगे तभी हम उन पर हमला करेंगे, क्योंकि अगर उन लोग को जरा सा भी भड़क लग गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हमने पहले बंदे को बिल्कुल ही आसानी से निपटा दिया, अब बारी आती है दूसरे बंदे की। तो यहाँ पे हमने दूसरे बंदे को भी निपटा दिया है, यहाँ पे तीसरा बंदा पता नहीं कहाँ देख रहा है, जो भी है इसको भी निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो एक और बंदा यहाँ पे कुछ तो भी कर रहा है, हटा जो भी कर रहा है भाई इसको भी निपटाते जल्दी से और देखते हैं दूसरे बंदे कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पे दो बंदे हैं, एक को मारेंगे तो दूसरे को तो पता चल ही जाएगा। भाई जो भी है मारना तो पड़ेगा, हमें काम करेंगे ना तुरंत तुरंत जल्दी से मारना पड़ेगा इन दोनों को हम लोग को। तो एक काम करते हैं पहले बंदे को निपटाते हैं, पीछे वाले बंदे को अब जल्दी से सामने वाले बंदे को निपटा देते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे सारे बंदों को तो निपटा दिया, पर मेरे ख्याल से ना हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, कहीं अगर बंदे बच गए हो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो एक काम करते हैं अपने स्नाइपर को फिर से निकालते हैं और देख लेते हैं कहीं बंदे हैं तो नहीं। यार यहाँ पे कोई बंदा तो दिख तो रहा नहीं है मेरे ख्याल से, ऊपर तो कोई बंदा नहीं है, अब एक बार नीचे कहीं देख लेते हैं अगर बंदे होंगे तो। भाई देखो बात क्या है ना, अगर हम यहाँ से जितने ज्यादा बंदे निपटा देंगे उतनी आसानी होगी हमें, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बंदा हमें दिख तो रहा नहीं है। एक काम करते हैं नीचे चलते हैं, तो अब जल्दी चलते हैं नीचे, एक काम करते हैं स्नैपर को अंदर रखते हैं, अपनी शॉटगन निकालते हैं, क्या है कि अब दूर से मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, तो शॉटगन क्या है कि एक गोली में निपटा देता है आदमी लोगों को। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बंदे तो कोई है नहीं, अब एक काम करते हैं थोड़ा और आगे जाके देखते हैं, एकदम छुपते छुपाते हमें जाना पड़ेगा। देखो जो भी है हमें माइकल के फैमिली का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पे कोई बंदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं कहीं अगर बंदा होगा तो। भाई बंदा कोई दिखाई दे नहीं रहा है, एक काम करते जितना जल्दी जल्दी हो सके ना हम आगे आगे निकलते रहते हैं। भाई अभी तक तो मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही मैप में कोई सिग्नल दिखा नहीं रहा है। एक काम करते और आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से ना उस सामने जो घर दिख रहा है इसी घर के अंदर हो सकते हैं माइकल की फैमिली। अब जो भी है देखना तो पड़ेगा कहाँ पे है वो लोग।
भाई कहाँ पे हैं? अभी देख रहे हो मेरे पे गोलियां चली कहीं से भाई, बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे, देख रहे हो अचानक से सारे बंदे कहाँ से आ गए भाई? अबे यार देख, तू देखो तो सामने बंदा है भाई, इसको जहर वगैरह हमें निपटाना ही पड़ेगा भाई। कहाँ गया बंदा? ओके ये यहाँ पे है बंदा भाई भाई, अबे यार जल्दी मार दे, मार मार मार। ओके हमने इसको निपटा दिया है भाई, यहाँ पे और भी बहुत सारे बंदे हैं भाई। बंदे हैं कहाँ पे, दिख क्यों नहीं रहे ये लोग भाई? बंदे हैं तो भाई, इधर से गोली चली लेकिन कोई बंदा नहीं दिखाई दिया मेरे को भाई। एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा हम लोग को भाई, जितना जल्दी हो सके उतना हम लोग को निपटाना पड़ेगा इन लोग को। हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर क्या है कि हम लोग को माइकल की फैमिली को भी ढूंढना है भाई। बंदे हैं कहाँ पे? और अभी यार रेड सिग्नल तो दिखा रहा है, बंदे दिख क्यों नहीं रहे यार? एक झाड़ फूस के ना, मतलब पेड़ वेड़ है उसकी वजह से बंदे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई। जितना भी हो सके हमने यहाँ पे एक और बंदा निपटा दिया है भाई। मेरे ख्याल से ना इस घर के अंदर बंदे हैं भाई। एक काम करते हैं, हम लोग घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं घर के अंदर अगर बंदे होंगे तो यहाँ जल्दी से चढ़ते हैं और घर के अंदर चलते हैं। अभी तक तो मुझे कोई बंदा दिखाई दे नहीं रहा है, पर मेरे ख्याल से ना घर के अंदर बंदे। ओके देखा, अंदर बहुत सारे बंदे हैं भाई, हमें बाहर से यह बंदे को मारना पड़ेगा। तो एक दो बंदे को तो हम यहाँ से बाहर से निपटा दे रहे हैं, पर अंदर बहुत ज्यादा बंदे हैं, थोड़े मोड़े नहीं पूरे भर भर के बंदे हैं। अब मेरे ख्याल से वो लोग दरवाजे के साइड से आने की कोशिश करेंगे। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि अगर अंदर बहुत सारे एक साथ बंदे आ जाएंगे हम मार नहीं पाएंगे। यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर से बंदे को मारेंगे। देखा वो लोग अपने आप ही बाहर आ रहे हैं, इस बंदे को निपटाते हैं भाई। अंदर बहुत सारे बंदे हैं, इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। यार बाहर से अंदर वो लोग भी क्या है कि वो लोग अंदर रहेंगे, वो लोग इंतजार करेंगे हम लोग अंदर आए, और हम लोग ये सोचेंगे कि वो लोग बाहर आए हम लोग बाहर से इसलिए उन लोग को मार सके। तो हम लोग को जो भी है अंदर जाना पड़ेगा ही। तो अंदर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, देख रहे हो वहाँ सामने आपने बंदा खड़ा है, तो इसको जल्दी से निपटाते हैं और आगे चलते हैं भाई। इतने सारे बंदे के एक साथ सामने दो दो बंदे हैं हमारे, इसको भी निपटा दिया हमने। वो जो दूर वाला देख, एक और बंदा भाई, इधर से एक बंदे आ रहे हैं, देखो तो राइट साइड में बंदे, सामने बंदे, इतने सारे बंदे यहाँ पे, इन लोग को सबको मारना बहुत मुश्किल होने वाला है। एक काम करते हैं, रुकते हैं एक मिनट में, वो खुद ही आप बाहर आएगा, खुद ही बाहर आएगा, उसे लगेगा ना कि मतलब उसको भी मारना है ना। ओके देखा सामने आ गया ना भाई, हर जगह दिमाग लगाना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैंने निपटा दिया है यहाँ पे सामने भाई, उधर ही बंदा है इधर ही बंदा है यार, इस बंदे को तो निपटा दिया। देख रहे गोली, मतलब गोली लगने के बाद भी मतलब हिम्मत दिखा रहा है यार, इसको भी निपटाते हैं। यहाँ पे जितने बंदे थे हमने ज्यादातर सबको निपटा दिया है, यहाँ पे कोई बंदा हमें दिखाया तो दे नहीं रहा। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगर इधर कोई बंदा होगा तो। देखो यहाँ इस रूम में तो कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं है, पर रेड सिग्नल दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे है, पर जो भी है यहाँ पे बंदा नहीं है। फिर काम करते हैं, यहाँ से निकलते किसी और रूम में देखते हैं भाई। क्या है कि हम लोग को माइकल की फैमिली को भी ढूंढना है, तो इस रूम में तो यहाँ पे माइकल की फैमिली है नहीं। तो काम करते हैं किसी और रूम में जाके देखते हैं, इसके अंदर हम लोग अब तक नहीं गए हैं, इधर देखते हैं इधर कोई है तो। भाई देखो यहाँ पे बंदा अभी भी जिंदा पड़ा हुआ है, इसी का रिएक्शन दिखा रहा था मेरे ख्याल से। जो भी है भाई, इस रूम में भी माइकल की फैमिली तो है नहीं। अब मेन बात यह है कि हमें यहाँ सारे बंदों को निपटा दिया है, पर माइकल की फैमिली अभी तक हमें यहाँ पे मिली नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या था? माइकल की फैमिली को ढूंढना और यहाँ से सलामत बाहर निकालना, पर अभी तक हमें माइकल की फैमिली मिली नहीं है। और मैं यहाँ बहुत सारे कमरे देख चुका हूँ, पर कहीं भी माइकल की फैमिली नहीं है। एक काम करते हैं, स्टेयर से ऊपर चलते हैं, वहाँ देखते हैं अगर माइकल की फैमिली होगी तो। यहाँ पे ऊपर तो हम आ चुके हैं, पर यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कोई दिखाई दे नहीं रहा है। इस कमरे में देखते हैं, नहीं यहाँ पर भी नहीं है भाई। यार माइकल की फैमिली है कहाँ पे? हमने सारे बंदों को निपटा दिया है, फिर भी हमें मतलब माइकल की फैमिली मिली नहीं। या जो भी है हमें ढूंढना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे एक और कमरा है, इसमें भी देख लेते हैं भाई। बेड बेड लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ है, देखो यहाँ बंदा पड़ा हुआ है भाई। यहाँ पे माइकल की फैमिली ऐसे तो नहीं कहीं और उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया, उन लोगों को पता लग गया हो और उन लोगों ने कहीं और शिफ्ट कर दिया हो भाई, हो भी सकता है भाई। पर हम सामने देखो, समझ नहीं आ रहा माइकल भी कहाँ गायब हो गया, माइकल भी दिख नहीं रहा है भाई। जो भी है देखना तो पड़ेगा ही हम लोग को। एक काम करते हैं, देखते हैं कहीं कोई कमरा हमारा बच बच गया होगा तो। भाई मेरे ख्याल से इधर देख लेते हैं एक बार और भाई, इधर तो हमने देखा हुआ है ना यहाँ। हाँ यहाँ पे, हाँ तुमने पहले आया हुआ है यार, यहाँ पे माइकल फैमिली नहीं है यार। है कहाँ पे माइकल की फैमिली? यार एक बार और देख लेते ध्यान से पूरा घर, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पे आए हुए पहले है भाई। काम करते हैं हम, फिर से एक एक घर को ना, एक एक रूम को अच्छे से देखते हैं भाई। सामने ना मेरे ख्याल से एक और रूम है, यहाँ ने बंदे को मारा था, लेकिन सामने एक और देख रहे हो, वहां पे एक दरवाजा खुला हुआ है, वहां पे सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे मेरे ख्याल से एक और रूम है, वहां पे जाके देखते हैं, क्या पता वहां पे हो, क्योंकि इसके नीचे हम गए नहीं है। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, सीढ़ी नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे माइकल फैमिली होगी तो। ओके देख रहे हो यहीं पे इस एक यही जगह जहाँ हम नहीं आए थे, ये बंदे को तो पता ही चला है कि यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो इस बंदे को हमने निपटा दिया भाई, माइकल फैमिली अब यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, हमने माइकल फैमिली को बचा लिया है भाई। उठ जाओ, अब डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे माइकल की फैमिली को हमने मतलब सेफली मतलब बचा लिया है। तब तक मेरे को समझ नहीं आ रहा लेकिन कि माइकल कहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, इन लोग को ना अपने साथ बाहर लेके चलते हैं, ढूंढते हैं माइकल की, माइकल है कहाँ पे। तो एक काम करो भाई, मेरे को फॉलो करो, चलो आगे। तो जल्दी चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि माइकल कहाँ पे है भाई। माइकल देखो, माइकल की फैमिली मिल गई तो माइकल नहीं मिल रहा है भाई। माइकल कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा है यार। जल्दी जल्दी आओ, अभी भी खतरा टला नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे बंदे और भी हो। तो एक काम करते हैं, जल्दी यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद माइकल को ढूंढते हैं। एक और टास्क बढ़ गया कि अब माइकल को ढूंढना पड़ रहा है भाई। जल्दी जल्दी आ जाओ,
यहाँ से बस बाहर निकलने का रास्ता है, यहाँ से गेट है, यहाँ से निकलते हैं बाहर और देखते हैं कि माइकल कहाँ पे है। भाई यहाँ पे हम सभी लोग बाहर आ चुके हैं, पर यहाँ पे माइकल का नामो निशान नहीं है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले माइकल को ढूंढना पड़ेगा। भाई 1 मिनट, अगर तुम ध्यान से देखो सामने से कोई बंदा आ रहा है। यार 1 मिनट, ये तो माइकल ही है। ओके, तो फाइनली हमने माइकल की फैमिली को बचा लिया और माइकल भी यहाँ पे आ चुका है। भाई हमने माइकल की फैमिली को तो बचा लिया है, पर मेरा ना मन अभी तक भरा नहीं है, मैं इनके अड्डे को पूरा तबाह करने वाला हूँ। एक काम करते हैं, मेरे पास ना यहाँ पे गैसोलीन है, मैं इस घर को पूरे को ना आग लगाने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, गैसोलीन को अपने हाथ में लेते हैं और घर का सबसे नीचे पॉइंट था ना जहाँ माइकल की फैमिली किडनैप थी, वहां चलते हैं और वहां से तेल लगाना चालू करते हैं, मीन्स तेल गिराना चालू करते हैं और पूरे घर में तेल गिरा देंगे। उसके बाद हम घर में आग लगा देंगे, पूरा घर भी जो है ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे पॉइंट पहुंच चुके हैं, काम करते हैं यहाँ से तेल गिराना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ढक्कन खोल लिया और देख रहे हो यहाँ से हमने तेल गिराना चालू कर दिया है। भाई इसलिए पूरे घर को आग लगा देंगे हम लोग, इन लोगों को तबाह कर देंगे पूरे घर को। यहाँ भाई तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग बाहर रहो, भाई निकलो यहाँ से यार, क्या बकचोदी कर रहे हैं ये लोग? अरे भाई माइकल की फैमिली पागल सी है क्या थोड़ी सी? भाई निकलो यहाँ से यार। ओके, तो यार माइकल की फैमिली जा चुकी है, अब काम करते हैं फिर से तेल गिराना चालू करते हैं। यार माइकल की फैमिली बिल्कुल अजीब सी है, जब माइकल बाहर है तो वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने तेल गिराना फिर से चालू कर दिया है। काम करते हैं, जितना भी तुझे रेड येलो डॉट दिखाया है ना, वो पूरे सारे घर के एरिया है, इस पूरे घर के एरिया में हम लोग तेल गिराते हैं। उसके बाद क्या ही करना है, उसके बाद आग लगाना है और पूरा घर तबाह हो जाएगा। यहाँ पे लगभग लगभग मेरे ख्याल से हो ही चुका है, यहाँ दरवाजे के पास बाहर पहुंची गए हैं। तो ये इनका जो भी रूम है ये भी हो गया लगभग लगभग। यहाँ से बस राइट मारेंगे, मतलब गेट आ जाएगा और एकदम बाहर तक लेके जाएंगे। उससे क्या होगा ना, पूरा पूरा घर में एक बार में आग लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग बाहर लगभग लगभग पहुंच ही चुके हैं। तो भाई देख लो, ट्रेवल लेने में पागल बंदा है, तेरी फैमिली से बच गई है तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? पर ट्रेवल मारने वाला कहाँ पे है भाई? इसने पूरा बाहर तक हमने यहाँ पे तेल ले आया है। अभी काम करते हैं, जल्दी से गन निकालते हैं और इसको गोली मारते हैं। गोली मारते हैं मतलब कि इस तेल पे गोली मारते हैं, उससे क्या होगा, स्पार्क होगा, आग लग जाएगी। तो यहाँ हमने गन निकाल दी और यहाँ फायर कर दिया हमने, आप देख सकते हो कि ना आग लग चुकी है। तो भाई हमने जहाँ जहाँ तेल फैलाया था ना, वहाँ वहाँ देख रहे हो आग लगते जा रही है। भाई अब तो तबाही मचने वाली है, ये घर नहीं बचने वाला है। देख सकते हो हर जगह पर आग फैल चुका है। ओ भाई साहब, देख रहे हो पूरा घर एक बार में तबाह हो गया भाई, एकदम तो ब्लास्ट हो गया पूरा घर। और ड्राइवर एकदम देख रहे हीरो की तरह दिख रहा है भाई, ये घर का तो पूरा अंजर पंजर ढीला हो गया है भाई। नहीं, ड्राइवर सच में बहुत खतरनाक आदमी है, इसने पूरे घर को तबाह कर दिया। तो भाई जिस काम से यहाँ पर हम लोग आए थे वो काम तो हो गया, हमने माइकल की फैमिली को बचा लिया, पर खतरा अभी तक टला नहीं है। क्या है कि जो मेन माफिया है वो अभी तक हमारे कब्जे में आया नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि वो कौन है। पर जो भी है, अभी का काम तो हो गया, अभी काम करते हैं, गाड़ी लाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। पर यहाँ पर ड्राइवर की गाड़ी कहीं दिख भी नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो हमें यहाँ पे पहले गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी दूर पे मेन रोड है, मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी मिली जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं थोड़ा मेन रोड की तरफ। ओके, देख रहे हो वहाँ पे सामने कोई गाड़ी खड़ी है, उसमें हम सारे बंदे आराम से आ जाएंगे। तो काम करते हैं, इस गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमें गाड़ी मिल चुकी है, जल्दी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं बाकी लोगों को लेने के लिए। हमें जितना जल्दी जल्दी हो सके इस एरिया से दूर जाना है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ी के यहाँ पे रोकते हैं, जल्दी से लोगों को बैठने के लिए बोलते हैं। भाई बिना कोई देरी के जितना जल्दी हो सके उतना गाड़ी में बैठो, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अरे यार जल्दी गाड़ी में बैठो, इस एरिया में रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो यहाँ पे सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, बिना कोई देरी के यहाँ से निकलते हैं। भाई जो भी हमने प्लान किया था बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ, और जो भी कहो यार, आज अगर ट्रैवल नहीं होता ना तो माइकल की फैमिली आज मेरे ख्याल से शायद जिंदा नहीं बच पाती। अब ये सब के बारे में हमें लेस्टर को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फिलहाल के लिए अपने घर चलते हैं, आगे जो भी बात है वही करेंगे। तो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं और जल्दी चलते हैं माइकल के घर। तो यहाँ माइकल के घर पहुँचे गए, काम करते हैं गाड़ी जल्दी पार्क करते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और अंदर चलते हैं। भाई इस माफिया ने तो परेशान कर दिया है, इसका एक सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। एक काम करेंगे, एक तसल्ली से बैठेंगे लेस्टर के पास में और एक प्लान बनाएंगे जिससे हम इस माफिया को मार सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।